बट मैं पहला आपको सवाल पूछना चाहूंगा, आजकल आप यूएस ओपन, विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन यहाँ पे देखते हो, फेडरर हो गया, कुछ प्लान है? नहीं, देखने में जो मजा है ना टेनिस, खेलने में वो मजा नहीं है. रीजन सिंपल है, आता नहीं है खेलना. बट आई हैव ऑलवेज बीन अ नडाल फैन, तो अपॉर्चुनिटी मिली तो विंबलडन में मैंने बोला चलो जाके देखते हैं. यूएस ओपन में अनफॉर्चुनेटली यू नो ही गॉट नॉक्ड आउट. बट कई बार जैसे क्रिकेट लोग सिर्फ देखने के लिए नहीं, एटमॉस्फेयर के लिए भी जाते हैं. सो बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, यू नो, एक स्पोर्ट का जब मौका मिलता है कि ग्राउंड पे जाके देख सके, तो उसमें एक अलग एक्साइटमेंट होता है. सो व्हेनेवर देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, यू नो, कोशिश करता हूँ जाऊँ ग्राउंड पे, यू नो, मैचेस देख सकूँ. एंड बिकॉज ऑफ दैट यू हैव सीन मी इन विंबलडन एंड यूएस ओपन. खेलने का कोई इरादा नहीं है बिकॉज ऐसा कोई टैलेंट नहीं है अपने पास. नेक्स्ट टाइम 1+1 होगा तो. एक क्वालिटी आपके साथ हमेशा जोड़ी जाती है, एंड व्हेनेवर एवरीबॉडी टॉक्स ऑफ महेंद्र सिंह धोनी, ही इज अ काम पर्सन, ही इज अ कूल पर्सन. इस ये इंटरनल ऑडियंस है, आप रियलिटी बोल सकते हो, जो मन में आए बोल सकते हो. आजकल का माहौल है, सब एक दूसरे से गाली गलौज करते हैं, सोशल मीडिया में एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं. इस माहौल में आप इतने काम कैसे रहे, या अंदर कुछ हो रहा था मगर आप एक्टिंग अच्छा कर लेते? नहीं, मैं ऑनेस्टली आंसर दूं, उससे पहले मैं इनसे ऑनेस्टली आंसर पूछ लेता हूं. अच्छा, हाथ आप खड़ा करना, कितने लोग यहां पे हैं जिनको लगता है कि उनका बॉस जो है ना, ही इज वेरी काम? ये ब्राउनी पॉइंट्स बनाने वाले हैं या ये सारे बॉस हैं? इन वालों को प्रमोशन मिल गई. नो, वेरी इंटरेस्टिंग. मैं हमेशा ऐसा सोचता हूं कि हम ग्राउंड पे जब होते हैं, हम कोई भी किसी प्रकार की गलती करना नहीं चाहते, चाहे वो मिसफील्डिंग हो, चाहे वो एक ड्रॉप कैच हो, या कुछ दूसरी चीजें हैं जो ग्राउंड पे होती हैं. तो आई ऑलवेज ट्राई टू गेट इनटू देयर शूज एज टू किस लिए कैच छूटा या किस लिए मिसफील्डिंग हुई, क्योंकि गुस्सा होने से कुछ हेल्प नहीं होता है. यू नो, ऑलरेडी 40,000 लोग स्टेडियम में होते हैं और करोड़ों लोग देख रहे होते हैं मैच. सो आई ऑलवेज फेल्ट इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू गिव देम दैट हेल्प एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बट एट द सेम टाइम मुझे ये देखना पड़ता था कि रीज़न क्या है. अगर एक प्लेयर ग्राउंड पे 100% अटेंटिव है, यू नो, वो पूरा ध्यान दे रहा था, उसके बाद अगर कैच छूट जाता है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. ऑफकोर्स ये मैं देखना चाहूँगा कि उसके पहले प्रैक्टिस में वो कितने कैचेस पकड़ता था, अगर कैचिंग में उसका वीकनेस है तो वो उस पर मेहनत कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो ये सारी चीज़ों पर मैं ध्यान देता था, मैं सिर्फ उस रिजल्ट पर ध्यान नहीं देता था कि कैच छूट गया. वी मे लूज अ गेम बिकॉज ऑफ दैट, बट कोशिश हमेशा ये रहती थी to try to step into their shoes. मैं भी human हूँ, अंदर से feeling वैसी ही रहती है जो आप सबको लगता है. कई बार जब आप आपस में भी अगर match खेलते हो, हारते हो, तो खराब लगता है. हमारे साथ तो we are representing our country, so और ज़्यादा खराब लगता है. But we try to control our emotion. You know, हम लोग अगर आप बाहर से देखें तो आसान होता है बोलना कि यार ये क्या कर रहा है, उधर मारना चाहिए था, ये करना चाहिए था. बट आसान नहीं है, यू नो, जैसे हम अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वैसे सामने वाली टीम भी अपने देश को रिप्रेजेंट कर रही होती है. तो दे आर ऑल्सो देयर टू प्ले द गेम. और कई बार उतार चढ़ाव आता रहता है. यू नो, आज यहाँ से मैं आप सभी को सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि कीप सपोर्टिंग टीम इंडिया इन ऑल द स्पोर्ट्स, जो भी स्पोर्ट आप फॉलो करते हो, इररेस्पेक्टिव हम जीत रहे हैं या हार रहे हैं. क्योंकि एक जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है वो हमेशा कोशिश करता है अच्छा करने का. कई बार सामने वाला उससे अच्छा करता है, कई बार यू नो गलतियां हो जाती हैं जिसके साथ परफॉर्मेंस थोड़ा कम रह जाता है. बट जो हार्ड वर्क वो साल भर करता है या कुछ सालों के लिए करता है, रिजल्ट इज नॉट ऑलवेज एन आइडियल रिफ्लेक्शन ऑफ दैट. यू नो, कई बार गलतियां हो जाती हैं. एब्सोल्युटली. सो जहां तक फीलिंग की बात है, इट्स अ सेम फीलिंग. मुझे भी कई बार प्रेशर लगता है, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है. बट हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि क्योंकि गुस्से में ज्यादातर आप गलत डिसीजन ही लेते हो. So what is important is to take the right decision at the right time. Kya baat hai, absolutely brilliant. Main bahut players ke sath baat karta hu, Mahi bhai kisi ko interview nahi dete isliye mere ko mauka mila hai. Bahut players bolte hain ki Mahi bhai kuch advice nahi, unki team meeting bhi 5-10 minute ke andar khatam ho jati hai. Ye message hai sab bosses ko jo 40-50 minute ki meeting lete hain. MS Dhoni the greatest captain team meeting 5 ya 10 minute ke upar nahi likhte hain. Shayad mere paise kaat rahe. So Vikram, very interesting, inhone jab ye topic chhod diya, hamara jo shortest team meeting tha ever CSK mein hua tha, it was actually -1 minute. To agar ab aap debate karoge ki -1 minute ka meeting kaise hota hai, to hua ye ki 5:30 baje ka meeting tha,
all the players, support staff and everyone, you know, we got together by 5:28. तो उसने बोला सब आ गए हैं तो मीटिंग स्टार्ट करते हैं. 5:29 मीटिंग खत्म हो गई. You know, 5:30 we left, so it was minus 1 minute. That is amazing. क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने मेरे को बताया था कि जब मेरी उनका डेब्यू हुआ तो MS धोनी कैप्टन थे, तो उन्होंने लगा उनको लगा कि MS धोनी कुछ बड़ा लेक्चर देंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करेंगे, टारगेट्स दिखाएंगे. तो ऐसा कुछ हुआ नहीं. बुमराह ने कहा कि मैं गया माही भाई के पास, उन्होंने कहा तेरे को जो आता है तू कर ले. बल्कि उस मगर आप ये सोचो कि जब एक कैप्टन अपने प्लेयर पे विश्वास रखता है और एम्पावर करता है तभी ये डिसीजन बुमराह को बोल सकता है. नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, एडवाइस करो ऐसे मत करो. बट बुमराह ने मुझे बताया कि ही हैड सो मच कॉन्फिडेंस इन माय अबिलिटीज दैट ही अलाउड मी टू बी. बट MS कुलदीप चहल सबसे बात करता हूँ, वो बोलते हैं कि माही भाई पहले बोलते पहला तेरा प्लान चलेगा, अगर वो नहीं चला तो मेरे पास बैकअप प्लान है. तो ये आपने जो लीडरशिप की स्ट्रेटेजी कुछ की है या वो बंदे पे डिपेंड करता है? नहीं, कई बार मुझे भी पता होना चाहिए ना कि खाना कैसा पका हुआ हो. सो यू नो सीधा मैं नहीं खाता हूँ. मैं यू नो ऑल दीज प्लेयर्स, उनका सिलेक्शन जब इंडियन टीम के लिए होता है तो मुझे ऐसी फीलिंग रही है कि उन्होंने डोमेस्टिक लेवल में बहुत अच्छा किया है, उसके बाद इंडिया ए लेवल में अच्छा किया, उसके कारण उनका सिलेक्शन हुआ है. तो जब वो टीम में आते हैं एंड व्हेन यू आर कंटिन्यूसली प्लेइंग फॉर टीम इंडिया, आपको जो नए प्लेयर्स होते हैं उनका स्किल सेट पता होता है. बट अगर आप उनके साथ नहीं खेले हो तो आपको ये एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि डिफरेंट प्रेशर सिचुएशन में वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं. सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सेड कि आप अपना गेम प्लान जो है वो पहले एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो. उससे मुझे भी समय मिलेगा यू नो एसेस करने के लिए वेयर यू स्टैंड. एंड इट हैज़ ऑलवेज वर्क्ड एंड आई हैव ऑलवेज टोल्ड पीपल कि पहले जो 5 गेम आप खेलते हो उसमें वही करने की कोशिश करो जो आपको आता है. क्या बात है. 5 मैच में जब आप अच्छा करोगे, यू नो लेट से आपने 3 मैच में अच्छा किया तो आपको और 10 मैचेस मिलते हैं. इंटरनेशनल में कोई नई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है. पहले अपना जगह सीमेंट कर लें, यू नो उसके बाद फ्यूचर में वंस यू आर अ परमानेंट प्लेयर आपको काफ़ी टाइम मिलता है अपना गेम एक्सप्लोर करने के लिए और साथ में इम्प्रूव करने के लिए कि मेरा क्या क्या चीज़ लैगिंग है जो जिसपे मुझे इम्प्रूव करना है अपने आप को. सो आई ऑलवेज फेल्ट कि फर्स्ट फ्यू गेम्स ट्राई टू डू व्हाट You do whatever your strength is, बाकी फिर देखा जाएगा. बट कभी कभी ऐसे होता है कि बॉलर को आपने बोला है वो प्लान फॉलो ही नहीं कर रहा है. जैसे सचिन पाजी ने मेरे को बताया था कि वीरू हमेशा उल्टे दिमाग का था तो उसको बोलना पड़ता था ऑपोजिट ताकि वो करे ठीक. नहीं, बट दैट इज ऑल्सो स्ट्रेंथ ऑफ द लीडर टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल. यू नो हर इंडिविजुअल को समझना जरूरी है क्योंकि अल्टीमेटली आप चाहते हैं कि वो बंदा इस तरीके से परफॉर्म करे कि टीम के जीतने में उसका कंट्रीब्यूशन रहे. तो अगर आप बंदे को समझते हो तो आपको पता है कैसे काम कराना है. यू नो सो दैट रियली वर्क. सो एट द एंड ऑफ द डे हम सब मिलके एक ही चीज चाह रहे हैं कि हमारी टीम ये मैच जीते. मगर अगर आप कैप्टन होते, आप तो इतने तेज दौड़ते हैं रनिंग बिटवीन द विकेट, बाय चांस आपको एक हाइपोथेटिकली इंजमामुल हक के साथ भागना पड़ता रनिंग बिटवीन द विकेट, तो उसको कैसे मैनेज करते? आई थिंक इसका आंसर ये सभी भी दे सकते हैं बट मैं दे दूंगा. क्योंकि अगर मैं इंजी भाई के साथ भाग रहा हूं तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि मैं अपना स्पीड रिड्यूस कर लूं. क्योंकि अगर मैंने स्पीड रिड्यूस नहीं की तो रनआउट तो 100% होने वाला है. जैसे वसीम भाई ने कहा कि व्हेन यू आर रनिंग विद इंजमाम यू डोंट कॉल यू प्रे. बट माही भाई, एक तो हम सब लोगों को समझना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट में और हमारे सबके लाइफ में डीलिंग विद प्रेशर. हर बंदा इंटरनेशनल एथलीट आपके लेवल का वो प्रेशर की अपनी एक डेफिनेशन बनाता है. जैसे मैंने एक बार जिमी कॉनर्स को कहते हुए कहा था, बहुत महान टेनिस खिलाड़ी थे, वो कहते थे कि जब प्रेशर आता है इसका मतलब कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत पैसे मिलने वाले हैं मेरे को. तो मैं प्रेशर को ऐसे समझता था कि कुछ अच्छी चीज़ हो जाएगी, इससे मेरा प्रेशर कम होते गया. तो आपके ऊपर इंडियन क्रिकेटर पे जितना प्रेशर होता है वो किसी के ऊपर नहीं होता, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस रिव्यू हर रोज 1.2 बिलियन लोग करते हैं. तो आपका क्या रवैया होता है डीलिंग विद प्रेशर, बिकॉज हम सब सीखना चाहेंगे इसमें से. वेल, प्रेशर हम सबके जीवन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. यू नो हम लोग सक्सेस और फेलियर की बात करते हैं. सक्सेस से काफ़ी कुछ आप सीखते हैं, फेलियर एक्चुअली टीचेज यू अ लॉट. यू नो सिमिलरली प्रेशर एक अपॉर्चुनिटी भी होती है. अगर आपके ऊपर प्रेशर नहीं है तो आपके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है हीरो बनने की. यू नो सो प्रेशर इज ऑलवेज गुड. यू नो बिकॉज अगर अपॉर्चुनिटी ना दी जाए तो आप प्रूव कैसे करोगे कि आप अच्छे हो. एंड व्हेन यू आर अंडर प्रेशर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो कंट्रोल में है आप उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं.
यू नो ये चीज के बारे में सोचना कि हम ये मैच हारेंगे या जीतेंगे इररिलेवेंट है. मुझे अभी क्या करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अभी जो करूंगा उससे यू नो शाम को मुझे पता चलेगा हम मैच जीते हैं या हारे हैं. यू नो लेट्स से अगर आप में से किसी को कोई असाइनमेंट दी गई है, आप वो असाइनमेंट किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. आपके बॉस या सीनियर आपके बारे में क्या सोचेंगे वो इररिलेवेंट है, क्योंकि अगर आपका प्रोजेक्ट या असाइनमेंट अच्छे से आपने बना के प्रेजेंट किया है यू नो यू विल गेट अप्रिशिएटेड फॉर इट. सो नो पॉइंट थिंकिंग व्हाट अदर्स विल थिंक. यू हैव टू बी 100% ऑनेस्ट टू योरसेल्फ. यू हैव टू गिव द असाइनमेंट प्रॉपर टाइम. उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा यू हैव टू एक्सेप्ट द रिजल्ट एंड वेदर इट्स गुड और बैड. एक्सेप्ट करने से क्या होता है, अगर कुछ खामियां रहती हैं सो यू एक्सेप्ट इट एंड यू लुक टू इम्प्रूव. यू नो नेक्स्ट टाइम इट्स एन अपॉर्चुनिटी की अगर सिमिलर सिचुएशन में अगली बार मैं रहूंगा तो मुझे क्या गलती नहीं करनी है. सो यू नो यू ऑलवेज गेट अ लॉट ऑफ लर्निंग. आप वो लर्निंग को अपने लाइफ में रखते हैं थ्रू आउट योर लाइफ, इट कीप्स हेल्पिंग यू. वेरी सिंपली अगर मैं बोलूँ, जो आपके कंट्रोल में है उसके ऊपर ध्यान दे, जो आपके कंट्रोल में नहीं है यू नो उसके ऊपर सोचना बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं है. क्या बात है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स जैसे कहते हैं. माई भाई मेरी एक थियोरी है, आप सिर्फ हाँ या ना बता दो आपकी थियोरी और उसकी आपकी काउंटर थियोरी बता दो. इंडिया में ना जो बंदे लास्ट मिनट काम करते हैं ना उनको हम सेलिब्रेट करते हैं. जैसे जो स्कूल में बंदा हुआ करता था जो रेगुलर पढ़ाई करता था तो उसको कहा और रेगुलर पढ़ाई करता है बड़ी बात क्या, अच्छे मार्क्स मिल गए. मगर जो लास्ट डे पढ़ाई करता था और अच्छे उसको अच्छे मार्क्स मिल गए क्या तब लोग अरे क्या लास्ट बॉल सिक्स व्हाट अ ग्रेट क्रिकेटर. इसमें कोई दम है मेरी थ्योरी में? नहीं मुझे थ्योरी का तो नहीं पता, बट जब मैं स्कूल में था तो यू नो मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करता था, विच मेंट कि मैं क्लास में बहुत अटेंटिव था. अपना डेली का जो काम होता था वो मैं डेली करता था और जिसके कारण रिजल्ट डिसेंट आते थे. तो ये हो गई पढ़ाई की बात. मैं तो मेरा हार्ट रेट ऊपर हो जाएगा अगर मैंने साल भर पढ़ाई नहीं की और एग्जाम में ज्यादा पढ़ा तो हार्ट रेट ऊपर हो जाएगा. जहां तक क्रिकेट की बात की जाए तो मैं भी चाहूंगा कि मैच 3500 ओवर में खत्म हो जाए. मैं भी चाहूंगा कि मेरी बैटिंग ही नहीं आए. नो प्रेशर, इंडिया आराम से जीत जाए 10 विकेट से 9 विकेट से 8 विकेट से. बट जैसे गेम आगे बढ़ता जाता है, लेट से हम ज्यादातर चेजिंग की बात कर रहे हैं, तो अब मैं जनरली बैटिंग करता था 5, 6 या 7 नंबर पे. तो अगर मैं 6 नंबर पे हूँ तो मेरे पीछे एक बैट्समैन है, तो मुझे ये डिसाइड करना पड़ता है कि कितने रन बचे हुए हैं, इन द सेंस कितना रन चाहिए, कौन से बॉलर को मैं टारगेट कर सकता हूँ. सो एम कभी भी नहीं रहता था कि 50वें ओवर में मैच खत्म करना है, बट ये ध्यान देना है कि हम किस गेम के इस सिचुएशन में हम कितना रिस्क ले सकते हैं. क्योंकि अगर 100 रन बचे हैं या 80 रन बचे हैं 15 ओवर में बनाने हैं तो ऑफकोर्स उस सिचुएशन में 5 ओवर में बन नहीं सकते हैं. आजकल के T20 क्रिकेटर्स कर सकते हैं बट यूजुअली 5 ओवर में होते नहीं हैं, विच मीन्स आपको कम से कम 12-13 ओवर बैटिंग करनी पड़ेगी. सो आई वुड रैदर टेक इट टिल द एंड. जब अगर मैं आउट हूँ या मेरा पार्टनर आउट रहे तो ज़्यादा रन फिर भी नहीं होने चाहिए. 20 रन 25 रन 30 रन अगर होंगे तो उनके ऊपर भी प्रेशर नहीं होगा जो भी रन्स है वो बनाने के लिए. ऐसा हो जाता था कि 48वें, 49वें या 50वें ओवर में मैच चला जाता था, बट मेरी ऐसे की भी तमन्ना नहीं थी. नहीं मगर आपको मैं एक बात बताता हूँ, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री आपसे बहुत खुश थी क्योंकि लास्ट तक लोग बैठ के मैच देखते थे. क्योंकि हमारे जितने दोस्त मीडिया में है वो बोलते थे एमएस धोनी इज द सेफेस्ट क्रिकेटर क्योंकि ही डजंट फिनिश द मैच अर्ली. हमारे सब एडवर्टाइजर्स खुश हो जाते क्योंकि 48 ओवर तक पूरी इंडिया मैच देखती है. सो यू आर एक्चुअली 10% लेना चाहिए उन लोगों से. नहीं इन लोग भी खुश हो रहे हैं, ये भी अब बोलेंगे बॉस को प्रेजेंटेशन अब मैंने लास्ट मिनट में ही देना है. बॉस को लगना चाहिए मैं पूरे दिन काम करके आया हूँ. थैंक यू वेरी मच एमएस फॉर बीइंग सच अ स्पोर्ट. अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एमएस धोनी.